तो फ्रेंड्स सीआईएसएफ हेड कनेस्टेबल और एएसआई पोस्ट जो 540 पोस्ट बाहरी से हेड कनेस्टेबल 418 और एएसआई जो 122 पोस्ट अच्छी तार ऑनलाइन अप्लाई आज हम आज माने 26 सेप्टेम्बर रु 25 अक्टोबर संध्या 5टा पर्यंत ऑनलाइन हम और एथि उभय मेल फीमेल समस्ते आवेदन करेंगे। यापाई एक वीडियो स्पेशली मुझे बनई सारी आपण मैंने समस्ते जानते किंतु जेहेतु ऑनलाइन अप्लाई हम तो से किसी इंपोर्टाट अच्छी जमीती कि भेरी इंपोर्टाट रोचे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कला बेले जो अपलोड करेंगे फोटोग्राफ से बर्तमान फोटोग्राफ कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं से आपणकर डेट मेंशन करने दरकार। फोटोग्राफ उपर डेट जदि मेंशन न करूचंती ताहाले विदाउट डेट वाला फोटोग्राफटा आपनकर फॉर्म रिजेक्टेड हे जिवो। एटा सबुठारु इंपोर्टेंट रहूची। एटा एसएससी जेडी समय मध्ये बहुत सारा पिला करथिले ता पूर्वुर मध्ये बहुत सारा चाकरी एमिति करिचंती तबे इंपोर्टेंट रहूची बोली मु आपनको वीडियो पोस्ट करके जणाउची। या रिलेटेड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवं हाइट वेट शिक्षागत योग्यता सबुडा मु कहि देछि तथापि जेहेतु ये वीडियो आपण देखुचंती एथिरे प्रथमे आपनको किछि सम्यक दूची। एथिरे प्रथमे आपनकर फॉर्म अप्लाई पर एडमिट कार्ड टा ऑनलाइन ले आसीबो घर को आसीबोनी एवं प्रथमे फिजिकल हबो तापर डॉक्यूमेंट टेस्ट सही से फिजिकल समय डॉक्यूमेंट टेस्ट हबो तापर आपनकर रिटन टेस्ट हबो तापर स्किल टेस्ट तापर जो माने मेरिट रहबे सेमानकर मेडिकल टेस्ट हबो। रिटन एग्जाम ओएमआर बेस्ड हबो। प्रथमे हमें एथिरे जानिबा वयस तापर हमें जानिबा शिक्षागत योग्यता ए दुटा मेन रहउची तापर हाइट टा मेन रहउची। जदि हाइट आपन न रहउथियो मध्ये आपन फॉर्म पकेकी पाई परिबे नहीं। प्रथम फिजिकल अच्छी तबे एथिरे जो बयस रही 18 वर्ष रु 25 वर्ष कौ दिन को काउंटिंग हम ना बयस आप हिसाब हम 25/10/2022 को जब 18 रु 25 होता है आवेदन करेंगे। एससी एसटी 5 वर्ष ओबीसी 3 वर्ष ये रोचे एज रिलैक्सेशन। क्वालिफिकेशन केवल 12th पास मागिची आर्ट्स कॉमर्स साइंस जे भी हेले आपण माने फॉर्म पके परिबे किंतु एथि जो स्किल टेस्ट थिला आपण फॉर्म पके सरला परे आपणकर फिजिकल मेडिकल रिटिन सब मैंने सब आपणकर मेडिकलटा लास्ट को हम फिजिकल रिटिन ए सब हो सारा पर आपणकर स्किल टेस्ट हम। स्किल टेस्ट बेले आपणकर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवश्यक माने हला या जे आपण पाखरे जो एक्स्ट्रा +2 पास कले आपण फॉर्म पके परिबे एटा जानिले किंतु आपणकर स्किल टेस्ट आपण चाकरी पर्यंत चली गले सब आपणकर रिटिन क्वालिफाई फिजिकल क्वालिफाई सब कले किंतु आपणकर स्किल टेस्ट बेले एई क्वालिफिकेशन टा मागुछ माने कोन स्किल टेस्ट माने प्रैक्टिकल टेस्ट हो आपणकर सर्टिफिकेट थाउ न थाउ आपण प्रैक्टिकल टेस्ट जदि पास करंती ताहाले आपण जाई कि मेडिकल टेस्ट दे परिबे आ चाकरी पाई परिबे। सेतबेले कोन ना एएसआई पई स्टेनोग्राफर आपातत साधारण हिसाब स्टेनोग्राफी जो माने जानिथिबे से माने ही पके माने स्किल टेस्ट पास करि परिबे। आ रहउची हमर हेड कॉन्स्टेबल पोस्ट जो माने +2 पास करछथि जो माने तांकर स्किल टेस्ट रे इंग्लिश टाइपिंग बा हिंदी टाइपिंग करि परिबे। इंग्लिश रे 25 वर्ड पर मिनिट हिंदी रे 30 वर्ड पर मिनिट हिसाब जो टाइपिंग करेंगे से माने स्किल टेस्ट रे पास करेंगे मेडिकल टेस्ट हम। ओके एटा हला इंपोर्टेंट जदि आपनकर योग्यता होची ताहाले आवेदन करेंगे। एवं एथरे आउ गोटे रहउची हाइट। हाइट जदि नॉर्मल हाइट आपनकर पुरुष कैंडिडेट मानकर 165 सेंटीमीटर रु अधिक होतवा दरकार एवं फीमेल माने 155 सेंटीमीटर रु अधिक होतवा दरकार एवं जो एसटी कैंडिडेट रहिले एसटी फीमेल 150 सेंटीमीटर रु अधिक हाइट होतले आवेदन करि परिबे। एसटी मेल 162.5 रु अधिक होतले आवेदन करि परिबे। आमे फास्ट फॉर्म पकेबा ऑनलाइन अप्लाई करिवे। ऑफिशियल वेबसाइट मु आपन को शो करौची एटा हला ऑफिशियल वेबसाइट CISF RECT.in। ओके ए जो CISF RECT.in मु आपन को ऑफिशियल वेबसाइट देखै दउची। ये है ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये लॉगिन करने पड़ो लॉगिन करके आप रजिस्टर करने पड़ो। रजिस्टर करके ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तापर ही आपको फॉर्म पकाइवाई पड़ो। ओके फॉर्म पकई सारा पर आपणकर ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आसो जोटा कि वेबसाइट रू डाउनलोड करने पड़ो घर को पोस्टे आसो ना। ओके एथे सैलरी सबुठार हाई रहउची लेवल 4 सैलरी। नॉर्मली जो कॉन्स्टेबल जीडी पाती तो सेमानकर लेवल 3 सैलरी किंतु आपनकर लेवल 4 सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आपनको 50,000 पाखापाखि सैलरी मिलिबो। एटा होची ऑफिशियल चाकरी मिनिस्ट्रियल माने ऑफिस रे बस कि आपन हेड कॉन्स्टेबल ऑफिशियल काम करिवे स्टेनोग्राफी काम करिवे एटा होची ऑफिशियल चाकरी रहउची। ओके ऑनलाइन फॉर्म पकेला बेले आपण दुईटा जाक भी प्रेफरेंस दे परिबे। प्रेफरेंस रे आपण माने पसंद रे आपण एएसआई भी दे परिबे आउ हेड कनेस्टेबल भी दे पारिबे नचत हेड कनेस्टेबल गोटे भी दे पारिबे नचत बोथ भी दे पारिबे। समस्त पई गोटे एग्जाम मात्र हबो स्किल टेस्ट बेले अलग हम बुझि पाइले किंतु जदि आप चाकरी पाँच से मेरीट लिस्ट हिसाब रे एवं प्रिफरेन्स हिसाब रे जदि आप पोस्ट बोथ देइछथि एवं एग्जाम क्लियर करके दीटा मत क्लियर करके आप गले जोटा प्रिफरेन्स आगे देइथिबे सेटा ही आप चाकरी पाए। प्रिफरेन्स माने आप जदि एएसआई आप पसंद करिसेंती एएसआईटा फास्ट देइचंती एवं सेकेंड रे आपण हेड कांस्टेबल देइचंती ताहाले जदि आपनकर मेरिट बेसिस रे अधिक मार्क रहउची ताहाले आपण एएसआई चाकरीटी पाइबे। बुझि पाले जदि आपनकर कम मेरिट अनुसार आपनकर रहउची ताहाले आपण हेड कांस्टेबल चाकरी पाइबे। जेति की पोस्ट अच्छी से 10% वैकेंसी बा रिजर्व रोची फीमेल कैंडिडेट माने झियो माने जदि 540 पोस्ट बाहरची तबे एथिरे 54टा पोस्ट झियो माने ही पाई परिबे। ओके कंपलसरी जते कम मार्क रखंतु अधिक मार्क रखंतु कंपलसरी तांका भीतर कंपटीशन 54टा पोस्ट पई होबो। एथिरे रिजर्वेशन से माने पई एतिक रहूची केवल गोटे फर्म ही आपण माने भरी परिबे या व्यतीत अधिक नु गोटे फर्म आपण जदि गोटे मिस्टेक हो गला आपण आउ गोटे भरिया पई चाहिबे नाही गोटे पिला गोटे फर्म ही भरी परिबो। मेडिकल स्टैंडर्ड आप टाटू परमानेंट टाटू से अलाउ ना जदि भी टाटू अच्छी यही टाटू नियम अनुसार होता दरकार मुझे टाटू बाय एफएम मनोज मारे मुझे पूरा डिटेल्स रे कही देछि आप चेक कर नहीं पारती। आमर जो एग्जाम सेंटर रोचे एग्जाम सेंटर आम ओडिशा पई तार ऑफिस जो फॉर्म सबमिट होबो से फॉर्मटा आमर रोचे कालकाटा रोचे हेडक्वार्टर तार रोचे तबे आमर एटा ओडिशार जो एग्जाम कालकाटा हेबो ना नचत ओडिशा रे ही होबो। ओके सबुठार मोस्ट इंपोर्टां रहा फोटो रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज फोटो 3 मास भितर होता दरकार 3 मास अधिक हो ना दरकार और जो फोटो आप अपलोड करेंगे ताऊपर आपंकर डेट मेंशन रहा दरकार कौ डेट्रे आप उठे से 3 मास भितर ही आप रहा दरकार सिग्नेचर अपलोड हम डॉक्यूमेंट सब आप अपलोड हम केवल गोटे एप्लिकेशन ही आप भरी पारे ता विषय मुझे कही। एग्जाम फीस 100 टंका रोची एससी एसटी आ महिला कैंडिडेट मानी कौन पैसा पड़ोनी एटा जनरल पिला 100 टंका एग्जाम फी रोची। आपन जो फोटो उठे पकेबे बा 3 मास भीतर जो फोटो होइतिबो से एडमिट कार्ड सहित मध्य सेही फोटो दीटा पुणी आप नेकी जिबे एडमिट कार्ड जते बेले आपन आईडेंट कार्ड गोटे नेकी जिबे सेटा नेकी जिबे जते बेले आपन फास्ट फिजिकल आ डॉक्यूमेंट टेस्ट होबो सेता बेले नेकी जिबे। रिक्रुटमेंट प्रोसेस रे आपनकर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तापर डॉक्यूमेंट सहित आपनकर सेठी बायोमेट्रिक टेस्ट होबो सबोडा फिंगर इंप्रेशन जहां भी सब डॉक्यूमेंट रे वेरिफिकेशन रही से सब वेरिफिकेशन होबो तापर हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एडा सबोडा आपनकर टेस्ट होबो ता सहित डॉक्यूमेंट टेस्ट होबो। डॉक्यूमेंट टेस्ट हो सारा पर डॉक्यूमेंट रे मैट्रिक सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट ओके जो माने अलगा सब अदर क्वालिफिकेशन अछि बा जो माने अलगा रही से मानकर सेटा भी टेस्ट होबो। पीएचटी माने केवल हाइट वेट चेस्ट एडा ही टेस्ट हम या व्यतीत आउ किसी आपंकर फिजिकाल ना एवं एथिरे आपंकर रहुछि प्रथम रिटिन रहिबो 100 मार्क 2 घंटा टाइम आपंकर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट हो सारा पर रिटिन टेस्ट हम रिटिन ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस एसएससी जेडी रे जहाँ होछि सेया ही हम एसएससी जेडी जो माने पकाय पय चाहौ से पिला एसु फॉर्म पकाय देबो निश्चित। ओके आपंकर स्टेनोग्राफी जानि थांतु न जानि थांतु आ आपंकर एथिरे कंप्यूटर जानि थांतु न जानि थांतु कारण आपन एटा फॉर्म पकाय एथि कारण रु काहे ना आपंकर जहाँ भी एसएससी जेडी रे अछि सेटा ही फॉर एग्जाम होबो ना तो सही हिसाब रे आपण माने फॉर्म पकाई देबे 25टा क्वेश्चन 25 मार्क हिसाब रे आपण को रहउची किंतु एथि 12th स्टैंडर्ड रे होबो। बेस्ट बुक मु आपण को डिस्क्रिप्शन ले देई देबी आपण माने ऑर्डर मधे करि परिबे। रिटिन ले यूआर ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन जदी 35% एवं एससी एसटी ओबीसी पिला जे 33% रु अधिक न रखु जदी ताहाले स्किल टेस्ट मान देई परिबे नाही। जदि आप दीटा जाक गोटे एग्जाम हम एएसआई और हेड कांस्टेबल समस्त गोटे एग्जाम हम स्किल टेस्ट रे या स्किल टेस्ट अलग या स्किल टेस्ट अलग जदि आप दीटा जाक आवेदन कर चाकरी कौ हिसाब से पाइबे चाकरी पाइबे जदि आप प्रेफरेन्स कौनटा देइछंती प्रेफरेन्सटा आपनकर जदि फर्स्ट प्रथम आपन हेड कांस्टेबल सेकेंड आपन एएसआई दैथिबे जदि आपन अधिक मार्क रखंती बा जते मार्क रखंतुना काहे आपन हेड कांस्टेबल फास्ट पाइबे। ओके जदि आपन फास्ट चॉइस एएसआई दैछन तबे एएसआई पाइबे एटा लेवल 5 सैलरी अछि एटा लेवल 4 रो सैलरी अछि। ओके हिंदी आउ इंग्लिश लैंग्वेज रे बोथ रे ही आसीबो। फॉर्म पकेला बेले जदि फॉर्म दुकानी किसी बुझी पारनिबे आपण किसी बुझी पारना ताले प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लिकेशन हे प्रथमे आपण रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो तापर फॉर्म पकेया पई पड़िबो रजिस्ट्रेशन समय कोन कोन दरकार हबो एवं तापर फॉर्म रे कोन कोन सब आसीबो केमिति डिटेल सब फिलअप करिके आपण कोन कोन मागीबो ता सब एटी आपण चेक करि परिबे। सब बेले से गोटे कथा कहूँ जे आपड़ जो फॉर्म भरवे से मैट्रिक सर्टिफिकेट रे जहाँ अच्छे डेट ऑफ बर्थ बापा ना माँ का ना जहाँ अच्छी एक्जाक्टली सब से ही फिलअप करेंगे टी भी रंग करेंगे ना तो आपड़ी अपलोड समय आपंकर फोटो जब आप डेट न रखुच्च आपटा कटिजे आप आप्लिकेसन रिजेक्ट हो सहित जब सिग्नेचरटा आप इलिजिबल हो देखा होनी भलसे डेढ़िया मेढ़िया एपट सेपट करके सिग्नेचर करेंगे आ भल भाव शो हो ना फॉर्म रिजेक्ट हो फर्म भरी सारापर लास्ट रे अच्छी सबमिट बटन और कैनसल बटन जब कैनसल करती फर्म टी आपटा एक्जिट हो कि सबमिट कले आपटा सबमिट हो बहुत सारा पिला सबमिट करते आसबनी आइडेंटी एडमिट कार्ड आसबनी जदि आप सिग्नेचर कर सिग्नेचर टा ब्लोर देखा माने भल भाव शो करूना ताहले भी फॉर्म आप रिजेक्ट हो जो मानकर पेमेंट न हो से आपर यही एग्जाम रु कैंसल हो एडमिट कार्ड आसबनी पेमेंट से जो मानकर पेमेंट अच्छी पेमेंट करेंगे लास्ट में जदि आप पीडीएफ फाइल पाइबा चाहूँगी पीडीएफ फाइल आई पीडीएफ फाइल टाक मुझे टेलीग्राम छाड़देवी टेलीग्राम लास्ट जो नंबर देती है आप गूगल मार दिखाते डायरेक्ट DAVP ऑफिशियल वेबसाइट रू डाउनलोड हो डायरेक्ट आपको शो कराइबो ता सहित आपको यहाँ आप CISF ऑफिशियल वेबसाइट पाइपर जब किसी डाउट था कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ये जो पीडीएफ फाइलटा FM मनोज टेलीग्राम छाड़देवी जो पीडीएफ फाइल सब डाउनलोड करता है डिलीट कला पूर्व ये छाड़ दे था भविष्य जो दरकार हुए मुझे ही पाई था ओके सहित आपठू डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे और यह सहित आपड़ जब चाहती ऑफिशियल वेबसाइट रू डाउनलोड करेंगे जल्दी किसी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और नेक्स्ट में मुझे या रिलेटेड जो ऑनलाइन अप्लाई हम से ऑनलाइन अप्लाई वीडियो एक काली आड़े पोस्ट करदेवी रोचे धन्यवाद।